And welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 24th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is regarding industrial development in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6, Assam economy point of view. Actually, this article is based on interview of Mr. Abhijit Barua. He is co-chairman of Confederation of Indian Industry of Northeast India. And in this article, he tries to explore the potential of industrial development in Assam. तो अभिजीत बरुआ साहब से सवाल पूछा गया है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आसाम. तो एज इट इज इसी तरह का सवाल आपसे डायरेक्टली मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. तो उनके जवाब के बेसिस पे हमने चार पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं. लेट अस सी देम वन बाय वन. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर बिहाइंड पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आसाम. तो according to him, following are the factors responsible behind poor industrial development of Assam. The first point is insurgency. So right after independence, there have been many insurgent groups who have prospered not just in Assam but entire Northeast India, like Alpha, NDFB, NSCN, Khaplang, Isaak Mawaiya. So in sare insurgent groups ke karan kafi instability rahi hai pure Northeast India mein, including the state of Assam ke andar. Aur is karan se jo industrial डेवलपमेंट है वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो पूरी तरह से और या प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ प्रोस्पेरिंग इंसर्जेंसी. उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है दैट इज लोकल एजिटेशन. सो देयर हैज बीन मेनी लोकल एजिटेशंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ आसाम. उसमें जो सबसे पॉपुलर लोकल एजिटेशन है दैट वॉज आसाम मूवमेंट दैट स्पैंड from 1979 to 1985. और इस कारण से देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ फियर अमंग्स द इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड, एक्चुअली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. क्योंकि ये जो लोकल एजिटेशन हुआ उसके बाद से बाहर के लोगों को थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में आसाम के अंदर आने में डर लगता है. दे फील दैट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पीपल ऑफ आसाम वॉन्ट एक्सेप्ट आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर क्रिएटेड बाई द आसाम मूवमेंट. तो ये भी एक फैक्टर है according to Abhijit Barua sahab. The third factor he said is the people's mindset. To उनका ऐसा कहना है दैट एंटरप्रेनरशिप हैज बीन लेस प्रेवलेंट अमंग्स द लोकल पॉपुलेशन. लोकल पॉपुलेशन के अंदर जो बिजनेस करने का जो माइंडसेट है या एंटरप्रेनरशिप का जो माइंडसेट है वो कम प्रेवलेंट है. दे डू नॉट टेंड टुवर्ड्स एंटरप्रेनरशिप. उनका ऐसा मानना है कि लोग बिजनेस करते जरूर हैं वहाँ पे, लेकिन उसको स्केल अप करके और उसको एक्सपैंड करने पे फोकस नहीं करते हैं. दे कीप इट स्मॉल एट वेरी नॉमिनल स्केल. हाउस होल्ड लेवल पे कोई हैंडलूम सेक्टर में लगा है, कोई पिगरी सेक्टर में लगा है, कोई एनिमल हस्बेंड्री में लगा है, बट दे डू नॉट टेक इट टू द लार्जर इंडस्ट्रियल स्केल ताकि उसका एक्सपेंशन हो और उसका स्केल बड़ा किया जाए. तो ये एक चीज़ मिसिंग है. द पीपल आर नॉट मोर इंक्लाइंड इन दैट डायरेक्शन, they are not inclined in the entrepreneurship direction. उसके अलावा उनका यह भी मानना है कि जो लोग हैं या फिर इन जनरल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव एंटी बिजनेस सेंटीमेंट, एंटी बिजनेस माइंडसेट. लोगों को ऐसा लगता है या पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, जो भी प्राइवेट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सब के सब करप्ट हैं. तो एक बात मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूँ दैट देखो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज़ नॉट जस्ट स्पेसिफिक फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस प्रॉब्लम इज विथ इंटायर इंडिया. और ये बात एज इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने कही थी
दैट दिस इज जनरल प्रॉब्लम ऑफ इंटायर इंडिया, कि यहाँ पे जो प्राइवेट बिजनेस होल्डर होता है, जो एंटरप्रेनर होता है, बाकी लोग उसको एक करप्ट निगाहों से देखते हैं, दैट दिस पर्सन इज करप्ट और दिस पर्सन इज मनी इज हैविंग मनी मेकिंग माइंड सेट। और ये हमारी सोसाइटी में मनी मेकिंग एक बुरी एक्टिविटी मानी गई है इन जनरल। ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 का एज इट इज मैं चैप्टर वन से बता रहा हूँ, क्रिएटर वेल्थ क्रिएटर्स जो चैप्टर है उससे मैं बता रहा हूँ। दैट इकोनॉमिक सर्वे से इसकी हमारे देश में जो प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, उसको हमारा समाज जो है से देखता है, दैट दीज पीपल आर ग्रीडी, और उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, दे आर लुक्ड डाउन अपॉन। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इस हमें एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। वी नीड टू रेस्पेक्ट आवर वेल्थ क्रिएटर्स, वी नीड टू रेस्पेक्ट आवर बिजनेसमैन और एंटरप्रेनर्स, बिकॉज दे आर द वन हु जनरेट वेल्थ, दे आर द वन हु प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये प्रॉब्लम दैट द पीपल एंटरप्रेनर्स एंड प्राइवेट बिजनेसेस आर लुक्ड विथ सस्पिशियस माइंडसेट, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का इशू नहीं है, पूरे इंडिया का इशू है। उसके अलावा जो चौथा फैक्टर दैट हैज़ हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट द पुअर ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ आसाम हैज़ हिंडर्ड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखो ये जो कॉरिडोर है, दैट इज़ नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये काफ़ी नैरो है एंड टॉर्चुअस है। यहाँ के रोडवेज काफ़ी टॉर्चुअस हैं, काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, और इस कारण से जो लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर इस एरिया में कोई इंडस्ट्रीज बनाई गई तो उसके लिए रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और उसका जो फिनिश्ड गुड्स है उसको मेनलैंड इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये कारण है, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जिस कारण से बड़ी इंडस्ट्रीज इस एरिया में सेटअप नहीं होती हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगा पाना डिफिकल्ट है, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है, और अगर हमने बना भी लिया इंडस्ट्री तो यहाँ से फिनिश्ड गुड्स को मेनलैंड इंडिया में अलग अलग मार्केट्स में पहुँचा पाना एक कॉस्टली अफेयर है। सो द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर मेक्स ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट, दैट हैज़ हिंडर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ असम। सो उनसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, दैट व्हाट आर द सेक्टर्स दैट हैज़ पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम। अगर असम को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो असम को किन किन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि देखो असम इज अ लीडिंग स्टेट मेनली इन टू सेक्टर, दैट इज टी एंड सिल्क। हम इन दोनों सेक्टर में लीडिंग स्टेट हैं, जबकि हमारे पास बाकी कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल है असम के पास, वो है बैम्बू सेक्टर में। तो अकॉर्डिंग टू अभिजीत बरुआ, बैम्बू इज़ एविडेंटली अवेलेबल इन असम, काफ़ी लार्ज नंबर में बैम्बू प्रोड्यूस होता है असम के अंदर, और बैम्बू प्रोसेसिंग एक इंडस्ट्री है जिसमें असम प्रॉस्पर कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर सकता है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया, देखो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, अंडर दैट प्रोजेक्ट बैम्बू विल बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, तो इट इज़ ए बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, और ये एथेनॉल को फिर यूज़ किया जाएगा फॉर द ब्लेंडिंग पर्पज़ विद पेट्रोल एंड डीजल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ दैट एथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन के अंदर 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाना है विद पेट्रोल एंड डीजल, तो इस मिशन को फॉलो करते हुए असम के अंदर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने प्रोजेक्ट लगाया है बैम्बू बेस्ड रिफाइनरी, बायो रिफाइनरी। तो अभिजीत बरुआ साहब का कहना है कि बाकी कई सारी रिफाइनरीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में खासकर असम के अंदर फंक्शन कर रही हैं, अगर वो सब इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर के आए तो आप सोचो बैम्बू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, जो बैम्बू प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, और इससे कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो अकॉर्डिंग टू हिम बैम्बू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन असम, अगर उसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाए तो। उन्होंने दूसरा एग्जांपल भी दिया है, दूसरा स्कोप भी बताया है बैम्बू सेक्टर के। उन्होंने कहा है कि देखो इंडिया के अंदर हम लोग अगरबत्ती बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो 90% अगरबत्तियाँ हैं दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वियतनाम, और अगरबत्तियों को बनाने के लिए बैम्बू की ज़रूरत होती है। अगर हमने इंडिया के अंदर ही अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ असम्स बैम्बू, तो आप सोचो कि बैम्बू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे असम के अंदर फ्रॉम द बैम्बू इंडस्ट्री। उसके लिए उन्होंने सजेशन दिया कि जो अगरबत्तियाँ वियतनाम से बन के आती हैं उन पर हमें इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ा के 30% कर देना चाहिए।
जो दूसरा सेक्टर उन्होंने बताया जहाँ पे आसाम के पास काफ़ी पोटेंशियल है डेवलप करने का, वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अलाइड एग्रो इंडस्ट्रीज लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पिगरीज। उनका ऐसा मानना है कि ये सारी इंडस्ट्रीज आसाम के अंदर हैं तो, बट दे नीड टू बी स्केल्ड अप, उनको लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे लाना होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने आप में इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ह्यूज मार्केट है। अगर इन सारे सेक्टर्स को हम लोग साइंटिफिक तरीके से इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करने लगे तो इससे काफ़ी सारा जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। हमें बस इन सारे जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम हाउस होल्ड लेवल पर करते हैं, इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर स्केल अप करने की जरूरत है, और उसके लिए जो असम सरकार है उसको हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है टू दीज लोकल एंटरप्रेनर्स। और एक बार जब हम साइंटिफिक लेवल पे इसको प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रियल स्केल पे करेंगे, तो हम हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर पाएं, मान लो पिग मीट्स को या फिर पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स को, तो इससे आप सोचो बहुत ज्यादा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा असम स्टेट के। सो दीज आर द सेक्टर्स हू हैव पोटेंशियल एंड वी नीड टू अनटैप दीज पोटेंशियल। टी और सिल्क में तो हम आगे हैं ही हैं। The next article is taken from international segment. It is regarding India-China border disputes. And this topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. So, देखो, this article is based on a recent spike in confrontation between Chinese and Indian soldiers at border. हाल फिलहाल में कई सारे article हमने खुद भी cover किए हैं, आपने news भी सुन रखा होगा, जहां पे लगातार Indian और Chinese soldiers के बीच में confrontation के news आ रहे हैं। सिक्किम में इस तरह का न्यूज आया था, और इस तरह के और कई सारे न्यूज आ रहे हैं हाल फिलहाल में रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन सोल्जर्स। सिक्किम के अलावा लद्दाख में पिछले महीने अप्रैल के अंदर आया था इस तरह का न्यूज। सो इन दिस आर्टिकल वी विल ट्राई टू एनालाइज द फैक्टर्स दैट लीड टू सच कन्फ्रंटेशन। आखिर क्या कारण है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स कभी खत्म ही नहीं होते, और इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण कितने सारे कन्फ्रंटेशन होते रहते हैं। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम कंप्लीट डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को हमें समझने के लिए कुछ एक टर्म्स को अच्छे से समझना होगा, और कुछ ये टर्म्स हैं रिगार्डिंग बाउंड्रीज इन इंटरनेशनल लेवल। तो अलग अलग टर्म्स आपने सुन रखे होंगे, टर्म्स लाइक इंटरनेशनल बाउंड्री, सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारे टर्म्स का पहले मतलब देखेंगे। एक बार ब्रीफली यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख लो। ये देखो कोस्ट लाइन इंडिया का लेंथ है लगभग 7516 किलोमीटर, तो कोस्ट लाइन इज़ क्वाइट लॉन्गर। उसके अलावा जो हमारा लैंड बाउंड्री है उसमें हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं, भूटान के साथ करते हैं, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। अब एक बार जरा मतलब समझते हैं इन चारों टर्म्स का। इंटरनेशनल बाउंड्री का सबसे पहले मतलब समझते हैं। अ डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी दैट इज नॉट कंटेस्टेड बिटवीन टू कंट्रीज दैट शेयर द बाउंड्री। तो मान लो दो कंट्री है, जैसे देखो ये इंडिया और पाकिस्तान है, और उनके बीच की वो बाउंड्री जो कंटेस्टेड नहीं है, जो चैलेंज नहीं है, जो डिबेटेड नहीं है, जो दोनों कंट्री मानते हैं कि हाँ ये है बाउंड्री, दैट इज नॉट कंटेस्टेड, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री, क्योंकि दुनिया भर की गवर्नमेंट फिर उस बाउंड्री को एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को देख लो, तो ये गुजरात से लेकर के जम्मू तक का ये जो रीजन है, ये बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज इंटरनेशनल बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है और ये बाउंड्री दोनों ही कंट्री इंडिया और पाकिस्तान मानती हैं दैट यस दिस लाइन इज लेजिटिमेट। सो दिस इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल बाउंड्री बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, दुनिया की सारी सरकारें इस बाउंड्री को मानती हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ से कश्मीर के अंदर घुसते हैं और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में घुसते हैं, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल बाउंड्री, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। आप सब जानते होंगे ये पार्ट जो है उसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस बाउंड्री इज डिस्प्यूटेड, सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड इंटरनेशनल बाउंड्री। सो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर करता है राइट फ्रॉम गुजरात टू जम्मू रीजन। उसके अलावा छोटा सा बाउंड्री टेरिटरी शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। उसके अलावा ऑफकोर्स वी शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, एंड देन वी शेयर बॉर्डर विथ भूटान, वी शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, एंड देन वी शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। सो दीज आर आर इंटरनेशनल बाउंड्रीज। उसके अलावा अब एक बात आपको बस ध्यान देनी है कि जो चाइना के साथ बॉर्डर है इंडिया का, उसको मैंने इंटरनेशनल बाउंड्री नाम नहीं दिया है बिकॉज दैट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। उसके बाद जरा देखते हैं द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल।
तो देखो, लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन दोनों को एक साथ समझेंगे। और सीज फायर लाइन को समझने से पहले जरा इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुए एक साथ एज टू डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश। तो उसके बाद व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947, उसके बाद आपको पता है ये जो कश्मीर रीजन था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे कुड आइदर ज्वाइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और दे कुड ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट। और इस कारण से उसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये जो कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह ही डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ही नाइदर वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान नॉर ही वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। लेकिन उसी साल अक्टूबर में ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान ने फोर्सफुली कश्मीर को अक्वायर करने की कोशिश की। और पाकिस्तानी फोर्सेज ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट पाकिस्तानी फोर्सेज के फॉर्म में वो नहीं आ रहे थे, दे वेयर अंडर द कवर ऑफ ट्राइबल। तो पाकिस्तान इस तरह का दिखाना चाहता था कि ट्राइबल लोगों ने अटैक कर दिया है कश्मीर के ऊपर और वो कैप्चर कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे वेयर पाकिस्तानी आर्मी हुआ ट्राइंग टू कैप्चर कश्मीर। तो आफ्टर दिस अटैक कश्मीर के राजा हरि सिंह केम टू दिल्ली एंड ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो जब एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया गया उसके बाद इंडियन फोर्सेस पहुंची कश्मीर और उसके बाद इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी आर्मी को यहां पे होल्ड कर दिया। लेकिन तब तक पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ एक एरिया कैप्चर कर लिया था कश्मीर का। तो उसके बाद इंडिया के पास ऑप्शन था दैट दे कुड हैव फोर्स्ड पाकिस्तानी आर्मी आउट ऑफ कश्मीर, लेकिन इंडिया टुक मैटर टू यूनाइटेड नेशंस और वहाँ पे फिर मैटर वाज टेकन टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। फिर यूएस ने इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको और डिटेल में देखेंगे कि कैसे इंडिया वाज चीटेड एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया डिपेंडेंट हेवली ऑन सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन एंड यूएस, लेकिन वो कोल्ड वॉर का टाइम था और यूएस ने जानबूझ करके पाकिस्तान का साइड ले लिया और इस तरह से कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। सो नेवर द लेस द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि 1947 अक्टूबर के बाद से जब इंडियन फोर्सेस पहुंची पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में वॉर शुरू हो गई। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर दैट वॉज फॉट वे बैक इन 1948 इटसेल्फ। तो इस वॉर के कारण आप कुछ एक साइड से पाकिस्तानी आर्मी कन्फ्रंट कर रही थी और दूसरे साइड से इंडियन आर्मी कन्फ्रंट कर रही थी, बट जब मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा तो वहां से एक सीज फायर डिक्लेयर किया गया। तो जो टर्म है सीज फायर उसका एक बार मतलब समझ लेते हैं। सीज फायर सिंपली मीन्स टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग या टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ वॉर। तो यूनाइटेड नेशन से सीज फायर डिक्लेयर करा दिया गया, दोनों पार्टीज ने इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर मान लिया, मतलब फिलहाल के लिए वॉर को रोक दिया गया, द वॉर वॉज सस्पेंडेड। और जहां पे पाकिस्तानी आर्मी थी उसको बोला गया कि आप वहीं रुक जाओ और दूसरे साइड में इंडियन आर्मी थी उन दोनों को बोला गया कि आप वहीं पे रुक जाओ। एंड इन दैट वे दिस लाइन जहां पे एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी थी और दूसरे तरफ इंडियन आर्मी थी दैट लाइन बिकेम सीज फायर लाइन। क्योंकि ये लाइन परमानेंट नहीं थी, दिस लाइन वॉज टेम्पररी, लेकिन चूंकि वॉर को अभी रोका गया था सो इट बिकेम अ टेम्पररी लाइन नोन एज सीज फायर लाइन। और पर्पस ये था कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराया जाएगा, लोग वोटिंग करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये रिजोल्यूशन पास होकर के आया था कि कश्मीर के लोग वोट करेंगे और वोट करके वो फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्री कंडीशन थी कि पाकिस्तानी आर्मी विल मूव आउट ऑफ दिस टेरिटरी एंड इंडियन आर्मी विल ऑल्सो मूव आउट ऑफ दिस टेरिटरी। लेकिन पाकिस्तान आर्मी कभी यहां से बाहर गई नहीं और इस कारण से आज तक वो जो पॉइंट था वो रिजोल्यूशन का दैट रेफरेंडम विल बी कंडक्टेड इन कश्मीर वो आज तक नहीं हो पाया है। एंड नाउ इंडिया हैज़ कम्प्लीटली चेंज इट्स पॉलिसी। आगे हम देखेंगे तो देखो ये सीज फायर लाइन 1948 में डिसाइड हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और ये सीज फायर लाइन कंटिन्यू रहा टिल 1972। देखो 1971 दिसंबर में इंडियन आर्मी इंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश कंट्री है उस टाइम तक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इंडियन आर्मी इंटर इनटू दिस रीजन एंड डिक्लेयर्ड इट एन इंडिपेंडेंट स्टेट बांग्लादेश। फिर उसके बाद 1972 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बीच में मीटिंग हुई इन शिमला, जहां पे शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके पॉइंट्स को, इसके प्रोविजन को थोड़ा सा यही समझ लेते हैं।
इस अग्रीमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो ये था दैट ऑल नाउ बायलेटरल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व्ड बायलेटरली ओनली, यानी कि जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट हैं वो हम आपस में ही रिजॉल्व करेंगे, वी विल नॉट टेक सच डिस्प्यूट्स टू इंटरनेशनल फोरम्स। तो इसके साथ ही इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से रिवर्स कर दी। 1948 में इंडिया ही था जिसने ये मैटर कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में लेकर के गया था, बट अब इंडिया ने इस फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज कर दिया बिकॉज इंडिया वॉज चीटेड इन 1948। तो इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी रिवर्स कर दी और उसने कहा कि अब ये पूरा के पूरे हर एक डिस्प्यूट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है वो हम आपस में ही रिजॉल्व करेंगे, वी विल नॉट ब्रिंग एनी थर्ड पार्टी इन आवर डिस्प्यूट। तो इसके साथ ही कश्मीर अब एक बायलेटरल इशू हो गया। और इसके साथ ही जो ये रेफरेंडम वाला इशू था दैट इन कश्मीर रेफरेंडम विल बी कंडक्टेड, उसको एक तरह से इंडिया ने अब रिजेक्ट कर दिया। तो अब कोई भी ये नहीं बोल सकता दैट देयर विल बी अ रेफरेंडम इन जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज दीज टू कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड दैट देयर वोंट बी एनी सच इम्पोज्ड डायरेक्शंस ओवर एनी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि रेफरेंडम होना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये एक शिफ्ट हुआ इन 1972। और दूसरा जो मेजर प्रोविजन है सिमला अग्रीमेंट का ऑफ 1972, हमने जो वॉर था और जिसमें सीज फायर डिक्लेयर कराया गया था, मतलब टेम्पोररी सस्पेंशन कराया गया था वॉर को, उसको हमने ओवर कर दिया, उसको हमने ख़त्म डिक्लेयर कर दिया। सो वॉर वॉज ऑफिशियली एंडेड इन 1972। जो वॉर 1948 में स्टार्ट हुआ, फिर सीज फायर डिक्लेयर हुआ मतलब टेम्पोररी सस्पेंशन, उस वॉर को ऑफिशियली ख़त्म किया गया 1972 आफ्टर सिमला अग्रीमेंट। तो जब एक बार वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया तो यही सीज फायर लाइन वॉज नाउ नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल इसलिए कहा गया, इंटरनेशनल बाउंड्री इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अभी भी ये जो डिस्प्यूट है कश्मीर का दैट वॉज नॉट रिजॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज ने माना कि अभी यह डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं है, हम आगे बातों से नेगोशिएशन से रिजॉल्व करेंगे इस डिस्प्यूट को और इंटरनेशनल बाउंड्री को डिमार्केट करेंगे, बट दिस लाइन इज टेम्पररी। बट वॉर वॉज एंडेड एंड दैट इज वाई दिस लाइन वॉज नाउ चेंज फ्रॉम सीज फायर लाइन टू LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और अब इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को लेकर के और भी बदल दी है। नाउ इंडिया हैज़ कम्प्लीटली सेड दैट कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट इवन द बिजनेस ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप तीन आप हाईलाइटिंग पॉइंट्स देख सकते हैं, तीन माइलस्टोन्स देख सकते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर। 1948 में इंडिया टुक द मैटर टू इंटरनेशनल फोरम यूनाइटेड नेशन। 1972 में इंडिया ने माना दैट इट इज़ अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड नाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्पेशली आफ्टर दैट 5th August 2019 ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है जम्मू कश्मीर को लेकर के दैट इट इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, इवन पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडाई इन कश्मीर इशू। तो इस तरीके से आप आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सीज फायर लाइन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल इज क्लियर। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा टर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको समझते हैं। इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिकॉज दिस बाउंड्री इज नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड एंड देयर इज ए वास्ट एम्प्टी स्पेस। इस लाइन को मैंने जानबूझकर कि इतना ब्रॉड दिखाया है, इंडिया और चाइना के बीच के इस बॉर्डर को मैंने इतना ब्रॉड इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हिली एरियाज हैं, काफ़ी फॉरेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा वास्ट एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे ना ही चाइनीज़ आर्मी जाती है ना ही इंडियन आर्मी जाती है इन जनरल। तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक का ऐसा विड्थ वाला एरिया है जो दोनों आर्मी ने खाली छोड़ रखा है क्योंकि इट इज़ नॉट क्लियर कि ये एरिया किसको बिलोंग करना चाहिए, इंडिया को या चाइना को। सो इस तरह की बाउंड्री को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आप इसके लिटरल नाम पे मत जाना कि इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों कहते हैं, बट इट इज़ सेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज दैट बाउंड्री दैट इज़ नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड एंड अ वास्ट एम्प्टी स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। और इस तरह का है बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज़ नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओवरऑल लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज समवेयर अबाउट 4,057 किलोमीटर। और इंडिया और चाइना के बॉर्डर को तीन सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है, वेस्टर्न सेगमेंट जो ये लद्दाख और कश्मीर वाला सेगमेंट है, उसके अलावा मिडिल सेगमेंट जो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच का सेगमेंट है, और ईस्टर्न सेगमेंट जो यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल के बीच का सेगमेंट है। अब जरा समझते हैं कि इंडिया और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में, इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में अक्सर ये कन्फ्लिक्ट क्यों होता रहता है, व्हाई देयर इज़ रेगुलर फेस ऑफ्स। सो एज आई सेड देयर इज़ नो क्लैरिटी
रिगार्डिंग इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज बॉर्डर्स. तो बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द बॉर्डर लाइन देयर इज नो प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड. इन जनरल तो हमने 1993 में फैसला लिया कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर का वास्ट अनगार्डेड एरिया छोड़ देंगे दोनों साइड से जब तक हमारा यह बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है. बट फिर भी चूंकि बाउंड्री पूरी तरह से डिमार्केटेड है नहीं तो हमारे सोल्जर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, इंडियन सोल्जर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और पेट्रोलिंग करते करते ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जो कि चाइना क्लेम करता है कि उसका, और वैसे ही चाइनीज सोल्जर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और पेट्रोलिंग करते करते ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहाँ पे जिसको इंडिया क्लेम करता है कि वो उसका है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अब ये बाउंड्री बताया जाता है दैट दिस इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अब ना कोई प्रॉपर डिमार्केशन है ना कोई फेंसिंग है, सो इस कारण से सोल्जर्स की भी गलती नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज सोल्जर्स इंडियन साइड में दिखते हैं और इंडियन सोल्जर्स चाइनीज साइड में दिखते हैं. सो इंडियन सोल्जर्स आर फाउंड इन द नदर्न साइड वाइल चाइनीज सोल्जर्स आर फाउंड इन द सदर्न साइड. तो इस कारण से कभी कभार कन्फ्लिक्ट हो जाता है. द सिंपल रीजन इज दैट देयर इज नो प्रॉपर डिमार्केशन. और इस तरह का न्यूज हम अक्सर देखते रहते हैं, दिबांग घाटी में घुसे चीन के 11 सैनिक. एक्चुअली इट माइट नॉट बी डेलिबरेट इनकर्सन, बहुत बार ये मिसलीड हो करके और वो फिर पेट्रोलिंग करते करते गलती से इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और वैसे ही गलती से इंडियन सोल्जर्स चाइनीज टेरिटरी में चले जाते हैं और इसी कारण से कभी कभार छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं. अगर हाल फिलहाल का भी आप कन्फ्लिक्ट देखें जो सिक्किम के अंदर हुआ था तो ऐसा कोई मेजर गन फायरिंग नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई थी. सो ये कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट नहीं है, बट हाँ फिर भी रेगुलर फेस ऑफ्स होते रहते हैं बिकॉज द बाउंड्री इज नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड, कोई फेंसिंग नहीं है. रीजन है दैट इंडिया एंड चाइना हैज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि कोई हमारे पास कोई इंटरनेशनल मैप ही नहीं है. अभी तक हम लोग कोई इंटरनेशनल बाउंड्री को सेटअप नहीं कर पाए हैं. सो अब जरा समझते हैं कि आखिर जब इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे फेस ऑफ्स होते रहते हैं तो हम लोग फिर इंटरनेशनल बाउंड्री क्यों नहीं बना लेते हैं, व्हाई आर वी स्टिल हैविंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो कारण मैंने बताया कि बहुत सारा अनसर्टेनिटी है. चाइना कोई और मैप लाता है, इंडिया किसी और मैप के बेसिस पे क्लेम करता है कि ये लैंड उनको बिलोंग करना चाहिए. तो इस कारण से बहुत सारी अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द रीजन इन द बॉर्डर एरिया. और इस कारण से इंडिया और चाइना ने कई सारे मैकेनिज्म सेटअप किए इन ऑर्डर टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट. और कुछ एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो इंडिया और चाइना ने सेटअप किया उनको यहाँ पे हम देखते हैं. फर्स्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएशन बनाया गया बिटवीन टू साइड्स. तो इंडिया की तरफ से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चाइना की तरफ से चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टाइम टू टाइम आपस में नेगोशिएट करते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट. देखो दोनों कंट्री ऑफिशियली चाहती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके लिए ये मैकेनिज्म सेटअप किया गया, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएशन. हाल फिलहाल में दिसंबर के अंदर हमारा 22nd राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड चाइना. इंडिया की तरफ से अजीत डोवाल साहब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया. लेकिन आपको एक बात जाननी चाहिए कि ये 22nd राउंड्स के बावजूद भी आज तक इस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएशन का कोई भी फ्रूटफुल आउटकम हमें मिला नहीं है एज फार एज रिजोल्यूशन ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट इज कंसर्न बिटवीन इंडिया एंड चाइना. उसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म हमने सेटअप किया दैट वाज इन 1993, अंडर इट इंडिया एंड चाइना साइंड एन अकॉर्ड टू रिड्यूस टेंशन अलोंग देयर बॉर्डर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. 2012 में वी सेट अप अ जॉइंट बाउंड्री मैकेनिज्म टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन रियल टाइम बेसिस इन केस ऑफ एनी ट्रांसग्रेशन अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो अगर कोई कभी कन्फ्लिक्ट हो भी जाए, कोई कन्फ्यूजन हो भी जाए, तो उस कन्फ्यूजन को तुरंत रिजॉल्व करने के लिए हमने एक ज्वाइंट बाउंड्री मैकेनिज्म रिजॉल्व सेटअप किया गया. इसके अंदर होता क्या है कि दोनों बॉर्डर साइड में दोनों पार्टी के, चाइनीज आर्मी के और इंडियन आर्मी के DGMO होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस. अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुई भी तो दोनों फ़ोन पे तुरंत बात कर लेते हैं और कम्युनिकेशन लाइन सेटअप करके इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाता है. दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट बाउंड्री मैकेनिज्म दैट वाज एस्टैब्लिश इन 2012. उसके अलावा एक अग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज़ नोन एज बाउंड्री डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, BDCA. दैट वॉज साइंड इन 2013. दैट वॉज टू प्रिवेंट एनी फ्लेयर अप अलॉन्ग अनडिमार्केटेड बाउंड्री. तो जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो अनडिमार्केटेड है, वहाँ पे किसी
किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हमने एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया है। इसका नाम है बाउंड्री डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस इनकम्पासेस बोथ मिलिट्री लेवल एज वेल एज डिप्लोमेट लेवल डायलॉग मैकेनिज्म। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सारे मैकेनिज्म हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। उसके बावजूद भी 2017 में आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हो गए थे, मेजर डिस्प्यूट हो गए थे, और हाल फिलहाल में फिर से कुछ एक इस तरह के केसेस निकल के आ रहे हैं। तो हमें एक बात समझनी है कि आखिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट इतने लंबे समय से चल ही क्यों रहा है, व्हाई बॉर्डर इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व्ड। जब दोनों पार्टीज ने इतने सारे मैकेनिज्म सेटअप किए, इतने राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो गए, फिर भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सो सबसे पहला कारण है दैट सम ऑफ द इशूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दैट दे आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का साफ साफ ऐसा मानना है कि ये अरुणाचल प्रदेश, ऑफकोर्स जो इंडिया का स्टेट है, दैट इज सदर्न तिब्बत। तो चाइना का ऐसा मानना है दैट दिस इज पार्ट ऑफ तिब्बत ओनली, और ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना को ट्रांसफर कर देना चाहिए इंडिया को। तो इस तरह का डिमांड चाइना रखता है बार बार इन इट्स नेगोशिएशन। चाइना का ऐसा मानना है कि ये जो मैकमोहन लाइन है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, दैट वॉज साइंड बिटवीन तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन साइड नोन एज सर मैकमोहन, जो 1916 में साइन हुआ था, उनका मानना है कि ये मैकमोहन लाइन इलीगल है क्योंकि तिब्बत के पास अथॉरिटी ही नहीं है इस तरह का इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। सो तिब्बत के अगर रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगर इंटरनेशनल बाउंड्री सेटअप किया है, सो दैट वॉन्ट बी वैलिड। और इस ग्राउंड पे ये लोग मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की लाइन है, उसको मानने से इनकार करते हैं, और चाइना कहता है कि ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना को बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह का जब स्ट्रिंजेंट डिमांड रखेगा चाइना, देन नेचुरली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट। उसके अलावा चाइना ने कुछ एक पार्ट इंडिया के इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज अक्साई चिन इन लद्दाख रीजन, दिस इज अबाउट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये अक्साई चिन चाइना ने इलीगल तरीके से एक्वायर कर रखा है। उसके अलावा ये एक छोटा सा टेरिटरी, देखो मैंने तो आपको आज ही के इस एनालिसिस में बताया कि ये वाला पार्ट जो है कश्मीर का, ये जो वेस्टर्न पार्ट है कश्मीर का, इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से 1948 में कैप्चर कर लिया था। और पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट, ये टेरिटरी आप देख सकते हैं, एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो छोटा सा टेरिटरी है दैट वाज गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स एग्रीमेंट विद चाइना नोन एज साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट इन 1963। तो एक छोटा सा पार्ट इंडियन टेरिटरी का जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा, उसने चाइना को दे दिया, और चाइना ने इसको अक्वायर करने के बाद इस रूट के थ्रू एक रोड लाइन एंड रेलवे लाइन सेटअप किया है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ऑफ चाइना, जिसको कई दफ़ा मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ। तो अब इस बात की कॉम्प्लेक्सिटी को समझो कि अब चाइना ने एक रोड लाइन बनाया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज नो डाउट इंडियन टेरिटरी, अभी के लिए पाकिस्तान ने इसको इलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा है। तो अब अगर चाइना ने इस लाइन को बनाया है, इस रोडवेज को बनाया है, रेलवेज को बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडियन टेरिटरी से गुजरता है बिना इंडिया की परमिशन लिए हुए, बिना इंडिया की अग्रीमेंट के, दैट मीन्स चाइना इज डायरेक्टली चैलेंजिंग सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, चाइना इज डायरेक्टली चैलेंजिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। तो ये सारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब इंडिया का साफ साफ ऐसा डिमांड है कि आप इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को विड्रॉ करो, और दूसरे तरफ आप अक्साई चिन से विड्रॉ करो। चाइना मांगता है कि आप अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया को हमें ट्रांसफ़र करो। तो इस तरह के जब कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स होंगे, इनको रिजॉल्व करना ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिटवीन द टू पार्टीज़, और इस कारण से इतने सारे मैकेनिज्म के बावजूद भी आज तक ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, ये रिजॉल्व नहीं हो पाया है। Another factor that is responsible behind unresolved boundary dispute between India and China is strategic policy of China against India. देखो चाइना की ये strategic foreign policy है that boundary disputes को resolve ना किया जाए, क्योंकि जब तक boundary disputes resolve नहीं होंगे तब तक India will be under stress from both side. देखो पाकिस्तान के साइड से तो इंडिया हमेशा स्ट्रेस में रहता है, प्रेशर में रहता है, और जब तक चाइना के साथ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक चाइना जब चाहे तब इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकता है।
करता है, उसके आर्मी जानबूझ करके उसके सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस जाएंगे एंड दे विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज, दे विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ टेंशन विद इंडियन सोल्जर्स। तो इस स्ट्रैटेजी को इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। तो इस टर्म को आप याद रखेंगे, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी है चाइना और पाकिस्तान की, ऑफ कोर्स ये ऑफिशियल स्ट्रैटेजी नहीं है लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट्स इस टर्म को यूज करते हैं। आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी मतलब पिंसर आप समझते हैं एक चिमटा होता है जो दो साइड से दबाता है, तो ये एक चिमटे की तरह इस्तेमाल करते हैं इंडिया को दबाने के लिए। इट इज नोन एज आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी। वन आई इज नोन एज इनकर्सन फ्रॉम चाइना साइड। तो चाइनीज सोल्जर जानबूझ करके कभी कभार इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं, इनकर्सन कर देते हैं और उस कारण से इंडिया और चाइना सोल्जर्स के बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाता है और उस कारण से इंडिया रिमेंस अंडर स्ट्रैटेजिक प्रेशर फ्रॉम दिस साइड। और दूसरे तरफ से पाकिस्तान तो इनफिल्ट्रेशन करता ही रहता है, तो अपने टेररिस्ट लोगों को वो क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन करता रहता है, तो पाकिस्तान की तरफ से होता रहता है इनफिल्ट्रेशन। पाकिस्तानी आर्मी इंटर नहीं करती, उसके सोल्जर उसके जो टेररिस्ट हैं मुजाहिदीन हैं वो इनफिल्ट्रेट करते रहते हैं और घुसपैठ करते रहते हैं, और दूसरे तरफ चाइना की तरफ से उसके सोल्जर्स इनकर्सन करते रहते हैं इन द नेम ऑफ अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री। उनका कहना है कि देखो बाउंड्री है नहीं तो हम गलती से इस एरिया में घुस गए और इस कारण से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया। सो दिस इज आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी। और ये बाउंड्री अनरिजॉल्व रखना ये चाइना की एक फॉरेन पॉलिसी मानी जाती है एंड दिस फॉरेन पॉलिसी हैज ऑब्जेक्टिव टू कीप इंडिया अंडर स्ट्रेस। जब तक इंडिया के दो साइड से बॉर्डर डिस्प्यूट रहेंगे इंडिया विल बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस आई टू पिंसर स्ट्रैटेजी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट। इट इज अबाउट थ्री सीज फियर ऑफ बैंक्स। एक्सटेंड लोन टू ऑल एलिजिबल बोरोवर्स विदाउट फियर ऑफ थ्री सीज, फाइनेंस मिनिस्टर टू बैंक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले एक बार ब्रीफली देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कई दफा मैं सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बता चुका हूँ, एक बार जरा सा यहाँ पे फिर से देखते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो एक बार ब्रीफली फिर से देखते हैं। मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है, हम आप कोई भी हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, हम लोग जो भी हमारी इनकम होती है अ पार्ट ऑफ इनकम हम क्या करते हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूम करते हैं उसका हम खर्च कर देते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में एंड द रिमेनिंग ऑफ दैट इनकम इज आवर सेविंग्स। तो जो हमारी सेविंग्स होती है ऑफकोर्स उसको हम अपने कैश के फॉर्म में तो रखते नहीं हैं क्योंकि कैश के फॉर्म में सेविंग्स को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वट वी डू, वी कीप आवर सेविंग इन सम फाइनेंशियल सिस्टम। हम बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो कई सारे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम हैं, किसान विकास पत्रा में डाल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्कीम में डाल सकते हैं। सो ये सब है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और हम अपनी सेविंग्स वहाँ डाल देते हैं। अब आपको सुन के लगे एक इंडिविजुअल की सेविंग हार्डली होगी 10,000-12,000 रुपये पर मंथ, लेकिन आप सोचो जब इंडिया लेवल पर करोड़ों लोग इस तरह की सेविंग्स अपने फाइनेंशियल सिस्टम में डालेंगे तो हर महीने सेविंग्स होगी इन ट्यून ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, इन सारे सेविंग्स को ले करके और फिर बिजनेसेस को ये लोन देता है, टाटा बिरलाज जो भी हैं, एमएसएमई सबको ये लोन आगे फॉरवर्ड करता है और ये बिजनेसेस इस लोन को लेकर के आगे फैक्ट्री सेटअप करेंगे, फर्म सेटअप करेंगे और उस फर्म्स की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, वही गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं और इन फैक्ट्रीज में इन फर्म्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जो जहाँ पर हम काम करेंगे जिसकी मदद से ये इनकम जनरेट करेंगे। तो ये एक साइकिल है, ये एक क्रिस क्रॉस रिलेशन है किसी भी इकोनॉमी के अंदर और ये पूरे क्रिस क्रॉस रिलेशन में आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये पैसे को मोबिलाइज कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम हमारे इकोनॉमिक के अंदर फंड को सर्कुलेट करता है जिसकी मदद से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी हेल्दी बनी रहती है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट फाइनेंशियल सिस्टम इज हार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है बैंकिंग सेगमेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग सेगमेंट। ऑफ कोर्स बाकी सारे पार्ट भी हैं, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, लेकिन बैंकिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि बैंक्स आर लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी, अगर बैंक्स फेल हो गए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी फेल हो जाएगी।
और अब जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो ऐसे टाइम में बैंक्स को इफेक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, बैंक्स को अच्छे तरीके से फंड्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, ये जो मोबिलाइजेशन है उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा ज़्यादा अभी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ताकि हमारी GDP पिकअप कर पाए। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट देर इज़ नीड ऑफ एफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू रिवाइव आवर इकोनॉमी। और हमें बैंक्स को हमारी ज़रूरत है कि वो जो लोन है या क्रेडिट है उसको स्विफ्ट तरीके से आगे लोगों को पास करे। बट एक प्रॉब्लम हमारा बैंकिंग सिस्टम फेस कर रहा है हाल फिलहाल में, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज द फियर ऑफ 3 C's। ये 3 C's है यहाँ पे, CBI, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। प्रॉब्लम क्या है, 2010 में आपको पता है कि कई सारे इस तरह के करप्शन के केसेज आ रहे थे, 2G, CWG, उसके बाद से कई सारे बैंक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। बैंक्स फेलियर के बाद बैंक्स के जो टॉप मोस्ट मैनेजर्स होते हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चनिंग किया जाता है, CBI उनसे सवाल पूछती है, CAG सवाल पूछता है, CVC सवाल पूछता है, तो इस कारण से जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है दे हैव डेवलप्ड अ कोल्ड फीट ऑन गिविंग लोन्स। आजकल वो लोन देने में थोड़ा घबराते हैं, एंड दिस इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ 3 C's इन इंडियन बैंक। तो वो आगे लोन देना ही नहीं चाहते हैं, बिग टिकट लोन वो देने में कोई ना कोई एक कारण लगा देते हैं, कोई ना कोई एक टेक्निकल होल्डिंग लगा देते हैं। और इस कारण से होता क्या है कि जो बैंक का मेन काम है फंड को मोबिलाइज करना, वो काम बहुत हद तक इनएफिशिएंट हो रहा है, हिंडर्ड हो रहा है। और जो बैंक के टॉप मोस्ट मैनेजर हैं वो तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, उनको तो बस चाहिए कि वो जैसे तैसे भी अपने आप को सेफ रखें, सो दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ लीगली साउंड, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो बैंक की इफिशियंसी है वो हैम्पर हो रही है बिकॉज ऑफ दिस 3 C प्रॉब्लम। बैंक के जो टॉप मोस्ट मैनेजर हैं वो नहीं चाहते कि वो इन 3 C's के चक्कर में पड़े, इन 3 से अननेसेसरी क्वेश्चन किए जाएं, इसलिए वो ज़्यादातर लोन को रिजेक्ट ही कर देते हैं, बिग टिकट लोन को। और इस कारण से बैंकिंग सिस्टम इनएफिशिएंट हो रहा है। सो दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम दैट इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग आफ्टर 2010 क्राइसिस, जब देर वॉज सीरीज ऑफ स्कैम्स दैट वेयर बींग अनअर्थ। उसके बाद से बैंक हैज़ डेवलप्ड कोल्ड फीट अगेंस्ट गिविंग बिग टिकट लोन्स बिकॉज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ 3 C's। और अब हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है, हाल फिलहाल में आपको पता है कि भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए इन ऑर्डर टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी। और ज़्यादातर अगर आप इनिशिएटिव्स को देखेंगे देन ऑल सच इनिशिएटिव्स आर बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू बैंक्स देमसेल्फ। 3 लाख करोड़ का फंड बनाया गया MSME के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि MSME को 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाए और पीछे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी बैकिंग करेगी। तो अब ये लोन जब तक बैंक्स देंगे नहीं MSME को, तब तक इसका फ़ायदा तो हो नहीं पाएगा। सो अब जब तक बैंक्स ये 3 C प्रॉब्लम्स को फेस करेंगी, बैंकर्स चाहेंगे नहीं कि ये लोन आगे पास किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है दैट बैंक्स हैव बीन आस्क्ड टू एक्सटेंड लोन्स ऑटोमेटिकली टू एलिजिबल बोरोवर्स विदाउट फियर ऑफ 3 C's, CBI, CVC एंड CAG। सरल शब्दों में भारत सरकार ने कहा है कि जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं आप उनको लोन दें विदाउट फियरिंग दीज 3 C's। भारत सरकार बैंकर्स के साथ खड़ी है और उनको अननेसेसरी घबराने की जरूरत नहीं है इफ़ दे आर राइट एंड जस्टिफाइबल। अब इस पॉइंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, जरा ये भी देख लेते हैं। अगर कभी एक सवाल आ जाए ऑन चैलेंजेस फेस्ड बाई बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, तो कई सारे चैलेंजेस तो हम जो हैं बैड डेट वो सब तो लिखेंगे ही, विलफुल डिफॉल्टर्स वो सब तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ ये पॉइंट भी आप लिखेंगे एज एन एडिशनल पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ 3 C's, CBI, CVC एंड CAG। The next article is taken from Assam segment. It is about a new academic channel launched. So this topic is important from our syllabus paper 6, Assam governance point of view, especially issues related to development and management of education. So jara news article samajhte hain. According to this news article, the Assam government has launched a new academic television channel named Gyan Vriksh to compensate for the academic losses induced by COVID-19 pandemic. The academic channel started under Assam government Samagra Shiksha Abhiyan and this would contain study materials for class 1 to class 12th. Uske alawa the Assam government has already started Biswavidya Assam YouTube channel in order to help students to learn in the lockdown period. तो कभी भी इस तरह के सवाल हो कि द डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसमें आप इसको एक एग्जांपल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इनिशिएटिव लिया असम गवर्नमेंट ने ज्ञान वृक्ष चैनल स्टार्ट करने का, दैट हैज़ बिन टेकन अंडर समग्र शिक्षा अभियान। तो जरा ये भी देखते हैं कि ये समग्र शिक्षा अभियान है क्या। देखो, समग्र शिक्षा अभियान इज ए स्कीम दैट एम्स एट यूनिफाइंग लर्निंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 लेवल बाय ट्रीटिंग एजुकेशन होलिस्टिकली एज कॉन्टिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। देखो, एक बात को अच्छे से समझो कि यह समग्र शिक्षा अभियान असम गवर्नमेंट की अकेली स्कीम नहीं है, ये पूरे इंडिया भर में हर एक स्टेट इस समग्र शिक्षा अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस समग्र शिक्षा अभियान स्कीम का पर्पस है कि क्लास 12 तक की एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल्स के अंदर। इस बात को समझने के लिए आपको एक और बात समझनी होगी। देखो, समग्र शिक्षा अभियान से पहले हमारे कंट्री के अंदर दो अलग अलग स्कीम चलती थी। एक थी सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान वाज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक के लिए, और फिर थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट वाज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब क्लास 9 टू क्लास 12 के लिए। और एक तीसरी स्कीम चलती थी टीचर्स एजुकेशन, एंड दैट उसका पर्पस था कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो भारत सरकार ने इन तीनों स्कीम को मर्ज करके एक कंप्लीट होलिस्टिक स्कीम चलाया है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग सब चीज को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से कवर किया जाएगा। पहले एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलग स्कीम था, सेकेंडरी के लिए अलग स्कीम था, और टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अलग स्कीम था। अब सबको मिक्स कर दिया गया, सबको एक साथ ला दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया, और इस स्कीम का नाम रखा गया है समग्र शिक्षा अभियान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में। और इसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के दरमियान असम गवर्नमेंट ने यह चैनल चलाया है, ज्ञान वृक्ष चैनल। तो इसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी इस चैनल के थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बिकॉज आई फील कि समग्र शिक्षा अभियान इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट समग्र शिक्षा अभियान? इट इज अ होलिस्टिक स्कीम टू इम्प्रूव आउटकम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 लेवल। इट विल रन अलॉन्ग विद सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टू प्रमोट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन इन इंडिया। ऑफकोर्स द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट विल नॉट रन अलॉन्ग विद सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इट विल रिप्लेस दीज टू एंड इट विल मर्ज दीज टू। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 366 to 370. Topic number 366 is about Global Consortium for Digital Currency. The Global Consortium for Digital Currency Governance will aim for increasing access to financial system through inclusive, innovative and interoperable policy solutions. सरल शब्दों में देखो, कल ही मैंने आपको डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे प्लानिंग चल रही है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया जाए डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, और उसके लिए एक कंसोर्सियम बुलाया गया, समझो तो एक मीटिंग बुलाई गई, और वो मीटिंग बुलाई गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया है उनके ओपिनियन के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट किया जाए और उसके लिए एक प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ बनाया जाए। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 367 इज अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। सो आफ्टर स्वरण सिंह कमिटीज रिकमेंडेशन इन 1976, आर्टिकल 312 वॉज मॉडिफाइड बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1977, एंड अकॉर्डिंग टू इट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एम्स एट क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज हु विल बी रिक्रूटेड सेंट्रली थ्रू एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन अलोकेटेड टू ईच स्टेट अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 368 इज अबाउट यूलू प्रोक्लेमेशन। यूलू प्रोक्लेमेशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यूलू प्रोक्लेमेशन वॉज अडॉप्टेड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज रिसोर्सेज प्रोटेक्शन इन चांगसा, सेंट्रल चाइनाज हुनान प्रोविंस इन 2018 बाई यूनेस्को। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक।
टॉपिक नंबर 369 इज अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फैब लैब. इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फैब लैब वॉज इनॉग्रेटेड इन कोची केरला इन जनवरी 2020 एंड द लैबोरेटरी इज टू फंक्शन इन कोलैबोरेशन विद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA. It is the only laboratory that is being installed outside US and the Super Fab Lab is being installed in collaboration with KUSUM, that is Kerala Startup Mission. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 370 is about 1 Trillion Trees Initiative. The 1 Trillion Trees Initiative is launched by World Economic Forum in its 2020 meeting to grow, restore and conserve 1 trillion trees across the world by 2030. It is also aimed at uniting governments, NGOs, businesses and individuals in mass scale for nature's restoration. The global initiative is aimed at restoring biodiversity and help fight climate change. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 361 to 365 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 366 to 370, can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.